दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट पप्पू कुमार। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि 17 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लग चुके हैं बिहार में। सार्वजनिक स्थल पर एवं कार्य स्थल पर मास्क से अपना चेहरा जरूर ढके। मैं बात करूंगा कि लॉकडाउन जो पहले लगाए गए थे उसमें सिर्फ लोगों तक एक नारा दिया गया था, घर से बाहर नहीं आओ, घर से बाहर नहीं आओ। लॉकडाउन एक नियम है, एक कानून व्यवस्था है, जिसको अच्छे से पालन करना है। मैं पुलिस प्रशासन जो यहाँ पर कर रहे हैं उनसे एक अपील, एक अनुरोध है कि वह गरीब मजदूर पर लाठी न चलाए, डंडा न चलाए, बिना किसी को कष्ट दिए हुए, बिना किसी को पीटे हुए लॉकडाउन का पालन कराए। क्योंकि डीजीपी सर भी कह चुके हैं कि कोई भी पुलिस किसी को कितनों पीट दे वह कोरोना नहीं रोक सकता है, सिर्फ मारने से और पीटने से कोरोना नहीं रुक सकता है, लोगों में जागरूक फैलाने से हर लोग यह सोच ले कि हमें बचना है तभी यह संभव है, फिर लाठी डंडा बरसाने से क्या फ़ायदा। हाँ, अगर जो गलत करता है, जो गलत प्रवृत्ति के हैं, उनको आर्थिक सजा जरूर होनी चाहिए। मैं बात करूंगा उत्तराखंड की। उत्तराखंड भारत का एक राज्य है जहां पर बिना लाठी डंडे का उपयोग किए हुए लॉकडाउन का अच्छे तरह से पालन कराया गया। वहां पर किसी मजदूर को, किसी किसानों को नहीं तोड़ा गया। यहां तो पुलिस कहते हैं कोने कोने तोड़ देंगे लेकिन कोरोना नहीं होने देंगे। मैं पूछता हूं क्यों नहीं सर रोके कोरोना को? यहां तो सीएम हाउस में, बीजेपी ऑफिस में जो वीआईपी लोग हैं वहां तक कोरोना पहुंच गया। वहां पर तो बहुत सारे पुलिस हमेशा सुरक्षा कर्मी तैयार रहते हैं, तैनात रहते हैं, लेकिन बीमारी को नहीं रोक पाए। सर कोरोना जैसा बहुत सारे बीमारी है जिसको आप नहीं रोक सकते हैं या कोई भी नहीं रोक सकता। यह कब, किसको और कैसे हो जाता कुछ पता नहीं, लेकिन सुरक्षा और बचाव जरूरी है और इसके लिए जागरूकता जरूरी है, न कि लाठी डंडे का उपयोग करना जरूरी है। कैंसर, एड्स जैसे आज तक बीमारी का इलाज नहीं आया, फलेरिया जैसे बीमारी का आज तक ठोस इलाज नहीं आया, क्या पता कोरोना का कब तक इलाज आएगा। यूं ही लॉकडाउन लगते रहेंगे और ओपन होते रहेंगे तो क्या ऐसे लोगों को पीटते रहेंगे? कई बार ऐसे ऐसे लोग जो पुलिस का शिकार हो चुके हैं, अगर उसको कोरोना हो जाए तो मैं बताता हूँ वह कोरोना से मर जाएगा, क्योंकि वह शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो चुका है, उसकी प्रतिरोधी क्षमता कम हो गए हैं, इसलिए उस पर इतना अत्याचार न करें। दूसरी बात मैं यह कि जनप्रतिनिधि लोग अपने अपने पंचायत में, अपने अपने क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाए और लोगों को समझाए कि लॉकडाउन का पालन करना कितना आवश्यक है, कोरोना बीमारी से बचने के लिए क्या क्या करना होगा। दूसरी कि माननीय मेरे विधायक जी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, राजकिशोर सिंह जी, जो अपने क्षेत्र में वह बिना किसी मजदूर किसान को कष्ट दिए हुए लॉकडाउन का पालन कराए, उनसे जनता बहुत अपेक्षा रखता है, बहुत कुछ, जितना मैं सोच रहा हूँ उससे ज़्यादा आम जनता जो है उनसे बहुत अपेक्षा रखता है। इसलिए यहाँ पर किसी को सताए हुए, बिना सताए हुए जो है लॉकडाउन का पालन कराए। और माननीय थाना प्रभारी अनिल सर को भी नमन करता हूँ कि उन्होंने